हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो यस, ODOP वन डे ऑरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं, और ये वीडियो बेसिकली स्पेशल रहने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे हम दिसंबर 2024 की बात करते हैं, आगे आने वाले जून 2025, क्योंकि ये जो PDF है ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ICSI की ओर से जो प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पे है। तो इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको ध्यान से समझना है। जहाँ पे समझ नहीं आएगा उसको पॉज करके दोबारा चेक कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो एक बार PDF चेक कर लीजिएगा, और फिर भी आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ODOP के बिना आप कंप्लीट किए हुए बिना जो है आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है ये न्यू ट्रेनिंग के बेस पे है। सो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा इतना है कि आपको CS के एग्जैक्टली बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, स्कोप के बारे में सब कुछ बताना है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यहाँ से रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस किसको बेसिकली ये एप्लीकेबल है, किसको बेसिकली ये करना है। सो दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सो जब भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके लिए जो है ODOP करना ये मैंडेटरी होता है, और स्पेसिफिक डेट की अगर बात करते हैं तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है 1 जून 2019 के बाद हुआ है तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट ने बताया है, सच स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड ODOP विद इन 30 डेज ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सो जब भी आप अपना एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाता है, विद इन 30 डेज जो है आपका ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट ने बेसिकली नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले यहाँ पे जो है कोई एग्जैक्टली टाइमलाइन नहीं होता था, बट अभी इंस्टीट्यूट ने ये पर्टिकुलर टाइमलाइन दिया है। सो मेक श्योर आप टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है? इसके अलावा ड्यूरेशन जो है बेसिकली वन डे का ही होता है, क्योंकि नाम से ही है, कोई लीव इसमें जो है नहीं प्रोवाइड की जाती है। और अगर इसकी फीस की बात करते हैं तो 600 रुपीज़ जो है आपसे ऑलरेडी लिया जाता है जब भी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करते हैं CS एग्जीक्यूटिव में। तो CS एग्जीक्यूटिव करते टाइम पे, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको 600 की जो ODOP फीस ली जाती है, इसमें 100 रुपीज़ का जो ODOP का मॉड्यूल की प्राइस लिया जाता है, और डायरेक्टली पेड होता है ICSI हेडक्वार्टर को, ठीक है? इसके अलावा ये ध्यान रखने वाली बात है, नो सेपरेट फीस इज चार्जेबल बाई कंसर्न ऑफिस। जहाँ से भी आप ODOP करते हैं वहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट के PDF में लिखा गया है। सेशन बेसिकली कब से कब रहने वाला है? सो 9 AM से 6 PM, इसमें आपको लंच ब्रेक मिलेगा बीच में, और दो शॉर्ट्स ब्रेक जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? ट्रेनिंग वेन्यू जो है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सो आपके जो रीजनल चैप्टर हैं, रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ हो सकते हैं, ऑल रीजनल चैप्टर हो सकते हैं, और इन सम केसेस में ऑनलाइन ये प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जानकारी आपको अपने मेल में दिया जाता है। इसके अलावा जब भी आप अपना ODOP कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपना ODOP मिल जाता है ई लर्निंग बेस पे, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आपका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपके ई लर्निंग पोर्टल, ICSI का जो ई लर्निंग पोर्टल है वहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा कंटेंट की अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको ये यहाँ पे सीखने के लिए क्या मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका एजेंडा उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में क्या रहने वाला है। तो सेशन 1 में हम देखते हैं कुछ जनरल मोटिवेशनल टॉक, सक्सेस स्टोरी, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बेहतर जान लेते हैं, CS प्रोफेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इसके अलावा जो है ऑनलाइन क्या क्या सर्विसेज हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट सेशन में जो है आपको एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के सिलेबस के बारे में, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में, एनरोलमेंट कैसे किया जाता है, CS एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये सब की आपको डिटेल्स में जो है जानकारी दी जाती है, क्योंकि अराउंड 6 घंटे आपको जो है यहाँ पे बिताना है। सो आपको ये कंप्लीट यूज़ इस पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है उसको करना है, ठीक है? इसके अलावा जो है बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है कैसे कर रहे हैं, देन जब भी आपका से भी कंप्लीट हो जाता है देन यू हैव टू बिकम अ मेंबर, आपकी स्किल और एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए व्हेन यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, और हाउ टू परस्यू सीए एज अ करियर टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। इसके अलावा जो है आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, ओपन हाउस सेशन के बारे में जाता है, एंड देन FAQs, फीडबैक एंड टेक वाइज, ये सभी बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर इसके बीच में जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आता है वहाँ पर आप इनसे पूछ सकते हैं। दीज आर द सम एजेंडाज विच यू शुड कंसिडर वाइल डूइंग योर ODOP, ठीक
ठीक है। और इन एनी केस जो है चैप्टर पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको प्रोएक्टिवली इन सब के बारे में पूछना है ठीक है। बाकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही लेता हूँ, फिर भी अगर आप फिजिकली जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, फीस बेसिकली पे कर रहे हैं, सो यू शुड बी अवेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोग्राम, अबाउट योर इंस्टीट्यूट, व्हाट इज गोइंग ऑन ठीक है। तो दिस इज एज ऑफ नाउ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट लिखिएगा, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।